यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जाने किसकी है ये शानदार आवाज जो हर रेलवे स्टेशन पर गूंजती है, मुसाफिर को अलर्ट करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल कौशाम्बी यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि पल पल की जानकारी मिलती रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133। रेलवे स्टेशन पर जो हम अनाउंसमेंट सुनते हैं वो आवाज़ किस महिला की है, ये सवाल बहुत परेशान करता है। आज हम इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं, आखिर वो कौन है जिनकी आवाज़ हर स्टेशन पर सुनाई देती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम अक्सर रेलवे स्टेशन पर एक आवाज़ सुनते हैं और इसे सुनने के बाद हमारे मन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये आवाज़ है किसकी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस आवाज़ के पीछे किसका चेहरा छुपा है, कौन है वो जिनकी मधुर आवाज़ हर रेलवे स्टेशन पर सुनाई देती है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट करने वाली महिला सरला चौधरी है। सरला के अनाउंसमेंट से ही पैसेंजर अलर्ट होते हैं। सरला चौधरी ने 1982 में रेलवे में इस पद के लिए अप्लाई किया था और एग्ज़ाम देने के बाद डेली वेजेस पर अपॉइंट कर ली गई थी। सरला इस पद पर अब नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में हम आज भी अनाउंसमेंट सुनते हैं। कई स्टेशन पर जाकर करती थी अनाउंसमेंट। 4 साल तक डेली वेजेस पर काम करने के बाद आखिरकार 1986 में उनका पद अस्थाई कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उन्हें कई स्टेशंस पर अनाउंसमेंट करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। उन्हें हर स्टेशन पर सही समय पर जाकर अनाउंसमेंट करना पड़ता था। उस वक्त एक अनाउंसमेंट को रिकॉर्ड करने में 3 से 4 दिन का समय लगता था। कई भाषाओं में इसे रिकॉर्ड करने पड़ते थे। फिर बाद में रेलवे में डेवलपमेंट के बाद रेलवे स्टेशन के सारे अनाउंसमेंट करने का काम ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम को दे दिया गया। स्टैंड बाय मोड पर सेव की गई आवाज़। 12 साल पहले सरला चौधरी अनाउंसमेंट का काम छोड़कर OHE विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद पर पोस्टेड हो गई और उनकी आवाज़ को स्टैंड बाय मोड पर सेव कर लिया गया। उसके बाद से आज तक उनकी आवाज़ हमें रेलवे स्टेशन पर सुनाई देती है। यात्री सरला चौधरी की मधुर आवाज़ को काफ़ी पसंद करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं, जो सरला को बहुत खुशी देता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।